प्रार्थना को प्रतिदिन का आवश्यक कर्तव्य बना लें आत्मशुद्धि के यज्ञ में प्रार्थना की भूमिका बहुत बड़ी है आप अपने को इसमें जितना अधिक लगाएंगे आप अपने दैनिक जीवन में निर्भयता का उतना ही अधिक अनुभव करेंगे क्योंकि निर्भयता आत्मशुद्धि का लक्षण और प्रतीक है प्रार्थना की एक यही शोभा देती है कि ईश्वर को जो ठीक लगे वह उही करे यह प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी प्रार्थना का अर्थ क्या इसका जवाब यह है कि प्रार्थना का स्थूल अर्थ नहीं करना चाहिए हमारे हृदय में बसने वाले ईश्वर की हस्ती के बारे में हम जागृत हैं और वो उसे छूटने के लिए घड़ी भर भी ईश्वर को अपने से अलग समझकर उनसे प्रार्थना करते हैं यानी मन हमें जहाँ खींच ले जाता है वहाँ हम जाना नहीं चाहते मगर ईश्वर हमसे भिन्न हो तो हमारा स्वामी होने के कारण वह हमें जहाँ खींच कर ले जाएगा वहीं हमें जाना है हम नहीं जानते कि जीने में भला है या मरने में इसलिए न तो जीकर खुश हो और न मरने से डरें कि दोनों एक से हैं हम तटस्थ रहें, यह आदर्श है वहां तक पहुंचने में देर लगती है शायद कोई पहुंच सकता है इसीलिए हम आदर्श को कभी न छोड़ें और ज्यो ज्यो उसकी कठिनाई हमें महसूस होती जाए त्यों त्यों हम अपना प्रयत्न बढ़ाते जाए